जय हिंद दोस्तों, आज आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जो कि टीए भर्ती आर्मी फैजाबाद और भुवनेश्वर में होने जा रही है, जो कि 14 तारीख से ये भुवनेश्वर की आप वीडियो देख रहे हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में टीए भर्ती की ये वीडियो आप देख रहे हैं कि टीए भर्ती आर्मी जो होती है टोटल आर्मी की ये वीडियो है, जो कि अभी तक हम एसएससी जीडी की जो भर्ती देते थे जो कि 17.5 से 21 साल तक की उम्र रहती थी, 17.5 से 23 साल तक की उम्र रहती थी, लेकिन जो 23 साल के बाद जो आर्मी भर्ती नहीं दे पाते हैं वो टर्टल आर्मी दे सकते हैं। टीए भर्ती आती है जो कि 18 साल से 42 साल तक के उम्र युवाओं के लिए ये भर्ती होती है। तो इस भर्ती का क्या पूरा सिक्वेंस रहता है आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे पूरे लाइन में डॉक्यूमेंट्स के लिए लगाया गया है, जो कि यहाँ पर पूरी लाइन लगी हुई है डॉक्यूमेंट्स के लिए, बच्चे बाहर खड़े हुए हैं। लगभग इस भर्ती में 20,000 से ज़्यादा लोग ये टीए भर्ती में पहले दिन आए थे। आप इस वीडियो में बिल्कुल देख सकते हैं कि कितना सारा कंपटीशन टीए भर्ती में भी हो चुका है। साथ ही साथ ये ट्रेनिंग सेंटर है जो कि बाहर बच्चे युवा खड़े हुए हैं, जिसमें कि सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं टीए भर्ती का। और ये लाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए होती है, लगभग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा होना पड़ती है। पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं होते हैं इस भर्ती के लिए, आपको मात्र आपकी हाइट होना चाहिए। आप दौड़ निकालिए, इसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद में आपका मेडिकल होगा, इसके बाद दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। सभी बच्चों के कमेंट्स और कॉल आ रहे थे कि सर वहाँ पर कितने बच्चों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से वहाँ पे 300 से 350 बच्चों को एक साथ में दौड़ाया जा रहा था, जिसमें से जो पहला सुबह का मॉर्निंग का बैच होता है उसमें से मात्र 8-9 बच्चों को लिया गया था। इसके बाद में जो बीच का सीक्वेंस होता है उसमें लगभग 4 से 5 बच्चों का टीए भर्ती में सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात टीए भर्ती में जो थी इस बार भुवनेश्वर में, वो ये थी कि एक जो लास्ट बैच होता है उसका जो कि टाइमिंग 11:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, उसमें से कम 19 से 20 बच्चों को पास किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया गया था। तो ये अच्छी बात है कि टीए भर्ती में भी 19 से 20 बच्चों को लिया जाता। अब भी इस भर्ती को देख सकते हैं, अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र निकल गई है तो आप टीए भर्ती टर्टल आर्मी जो होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर ये परमानेंट है। बिल्कुल, ये अब परमानेंट हो चुकी है, ये सैनिक भर्ती परमानेंट हो चुकी है, तो आप इसके लिए ज़रूर जाएं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है टीए भर्ती के लिए मैं लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। साथ में स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।